यहाँ पे हम आ गए टाटा कर्व की साइड पे, और कर्व आपको सामने से दिखा रहा है किस तरीके का इसका फ्रंट लुक जो है कंपनी ने अभी दिखाया हुआ है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट एलईडी आजकल सभी में आ रही है, इसके हेडलाइट्स को आप दिखाते हैं आपको प्रोफाइल रहने वाली है, और जो साइड मिरर है वो आप देख सकते हैं, ये आपने देखे होंगे साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं साइड प्रोफाइल भी, काफ़ी तगड़ी लग रही है इस गाड़ी की। साइड प्रोफाइल में आप देखिए जो कूपे डिज़ाइन होता है जो कि X6 में आता है BMW की, सेम उसी टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को दिख रहा होगा इस गाड़ी के अंदर। बहुत ही अच्छी लगती है टाटा कर्व, और साइड प्रोफाइल में जो है कॉम्पैक्ट SUV का जो लुक आता है वो बहुत तगड़ा आ रहा है इसके अंदर। कलर इनने जो लगाया हुआ है ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, देखते हैं इस कलर के अंदर लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे गाड़ी को, लेकिन ये गाड़ी बहुत तगड़ी दिख रही है। टायर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इनने हैवी लगा रखी है, यहाँ पे 20-20 इंची के टायर इसके अंदर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करे गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसमें। ये आप साइड प्रोफाइल चेक कर पाएंगे टाटा की कर्व गाड़ी की, बहुत अच्छी लग रही है। ये कुछ बैक प्रोफाइल है टाटा कर्व की जिसको आप देख सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स टाइप की LED जिसके अंदर जो है इंस्टॉल करी गई है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, आप देख पाएंगे पीछे का भी जो लुक है काफ़ी शानदार लुक दिया गया है इस गाड़ी का, प्रोटोटाइप है सर, लेकिन जब आएगी मार्केट में तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है गाड़ी है। यहाँ पे आप देखिए पूरी मैट्रिक्स टाइप से बंद हो रही है, देखते हैं अगर ऐसा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आया तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकते इसके लिए तो। लेकिन इस तरीके का इनने शोकेस कर रखा है तो इससे मिलती जुलती ही गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। तो ये था आपके सामने पूरा टाटा कर्व का इंट्रोडक्शन, और पूरा उसका जो लुक है इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है।